ऊना के गाड़ीखड में पानी ज्यादा आने के कारण ट्रैक्टर ट्राली सहित तीन लोग फंस गए। दरअसल ये व्यक्ति खड में से पत्थर ट्राली में भर रहे थे, तभी पानी का बहाव तेज हो गया और कम होने की बजाय और बढ़ता गया। तीनों युवकों ने जब पानी ज्यादा आता देखा तो वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए, लेकिन काफी समय वे वहीं पर फंसे रहे। लेकिन बाद में एक बड़ी गाड़ी को वहां पर लाया गया और उसे रस्सी डालकर एक ट्रैक्टर और तीन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। ऊना की गारणी खंड में पानी ज्यादा आने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तीन लोग फंस गए। दरअसल ये व्यक्ति खड्ड में पत्थर ट्रॉली में भर रहे थे, तभी पानी का बहाव तेज और ज्यादा हो गया। तीनों युवकों ने जब पानी ज्यादा आता देखा तो वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए, लेकिन काफी समय वे बही पर फंसे रहे और बाद में जब पानी का बहाव कम हुआ तब एक ट्रैक्टर को रस्सा डालकर ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ भी वहां पर जुट गई, लेकिन बाद में एक बड़ी गाड़ी को वहां पर लाया गया और उससे रस्सा डालकर इस ट्रैक्टर और तीन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। ये घटना वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली है और एक युवक ने सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर में तीन लोग फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने की आस लगाए हुए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य गोल्डी चौहान ने अवैध खनन को लेकर फंसे इन लोगों को लेकर प्रशासन से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि लोगों की कीमती जान बच जाए और कोई हादसा न हो। गनीमत यह रही कि सही मौके पर जान बचाई गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खड्ड में कैसे आया और इसे कैसे निकाला गया? ये खड्ड खनन के लिए आया था, जो खनन करते हैं, अवैध खनन कर रहे हैं यहाँ पे। ये पत्थर उठाने के लिए आया था और ये ट्रैक्टर बलून का बताया जा रहा है, और ये पत्थर उठा रहे थे और बीच में एकदम ऊपर से तेज भाव आया और ये बीच में ही फंस गया, और काफ़ी मशक्कत के बाद इसको कोशिश की गई, ट्रैक्टरों के साथ भी इसको टोचन पा के निकालने की कोशिश की गई, पर ये नहीं निकला। उसके बाद फिर एक बड़ी गाड़ी 10 टायरी चक्की मंगवाई गई, उसके साथ इसको बाहर निकाला गया। और हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि इसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जाए। उनको पहले भी अवगत कराया गया है जहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, और उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और बार बार जो लोग यहाँ पे खनन करने के लिए आते हैं, बाहर से ट्रैक्टर आते हैं, और जान माल का भी खतरा हो सकता है। देखो, ये तीन लोग थे, बह जाते पानी में अगर गांव वाले बीच में ना उतरते, तो काफी मशक्कत के बाद इनको बचाया गया।